हेलो भाइयों नमस्कार, मैं हूँ हर्षल है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में मसला एस्थेटिक्स फिटनेस का डायरेक्टेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना ने पूरे देश में तहलका मचाया, तो इस दौर में पूरा देश लॉकडाउन है एंड कई जिम्स भी बंद है। तो घर बैठकर क्या वर्कआउट कर सकते हैं अपने आप को हेल्दी फिट रखने के लिए। मैंने जैसे कि पिछले बार चेस्ट वर्कआउट किया, तो इस बार हम करने वाले हैं बैक वर्कआउट। उससे पहले भाई आपको सिर्फ एक काम करना है, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है हमारे चैनल को मसल एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि इसी तरह कंटेंट को आप कभी मिस ना कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो है पुलअप्स। आइए दोस्तों, पुलअप्स से जो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पुलअप्स बार नहीं है तो हम यहाँ पे दीवार का सहारा ले रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं पुलअप्स। पंद्रह काउंट कर सकते हो आप, पांच सेट लगाओ आप इसके, क्योंकि बेसिक एक्सरसाइज है, फर्स्ट राउंड है इसका। तो एक्सरसाइज है हमारे वो है वन आर्म रो। तो वन आर्म रो के लिए यहाँ पे तो डंबल्स तो नहीं है, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं बकेट का, क्योंकि मेरे पास 15 kg की बकेट है, इसमें पानी डाला है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे भी हम दीवार का सहारा लेंगे, क्योंकि बेंच तो है नहीं हमारे पास अवेलेबल, हम देसी वर्कआउट कर रहे हैं। तो हाथ यहाँ पे रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने लोअर बैक जो है पूरी आर्च करनी है अपनी, उसके बाद में होल्ड करनी है। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डंबल नहीं है, तो आपने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, आपने स्क्वीज जरूर करना है ऊपर आते हो, क्योंकि जब आप ये पुल करोगे तो ये जो मसल है लैटिसिमल टॉर्सी ये ट्रेन होना चाहिए प्रॉपरली, इसलिए आपने स्क्वीज जरूर करना है इसको। 15 से 20 रिपीटेशन ज़्यादा काउंट करो और स्क्वीज जरूर करो। एक्सरसाइज है वो है बेंट और रो बार, क्योंकि पहले दो एक्सरसाइज है तो हमने अपर बैक ट्रेन कर ली, अभी बारी है मिडल बैक की, तो बेंट और रो बार लगेंगे। चलिए, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पे बारबल्स और प्लेट्स नहीं है, तो इसलिए हम बेंट और रो बार के लिए यूज करेंगे सिलेंडर का। आपने एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, बेंट और रो बार लगाते वक्त आपकी बैक जो है पूरी की पूरी आर्च होना, और पहले आपने एक डेड लिफ्ट लगानी है पूरी, उसके बाद में बेंट होना है बैक आर्च, इसके बाद में आपने होल्ड करना है ऊपर स्क्वीज, नीचे होल्ड ऊपर स्क्वीज, इस तरह से आपने 15 से 20 रिपीटेशन लगानी है, क्योंकि लाइट वेट है। देख रहे हो ये मसल के लिए। फोर्थ एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन रो। अब इंक्लाइन रो के लिए यहाँ पे मशीन तो नहीं है, तो इसलिए हम दीवार का सहारा ले रहे हैं। अपने हाथ यहाँ पे रखना है इंक्लाइन रो के लिए, बॉडी पूरी इंक्लाइन, बॉडी टाइट। देख रहे हो मसल, ये भी मिड सेक्शन के लिए बैक, पूरा जाना है ऊपर, बाद में नीचे आते हुए आपने स्क्वीज जरूर करना है। इसके भी आप 4 सेट्स करो, 15 से 20 काउंट करो। फिफ्थ एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेट आर्म पुली डाउन, क्योंकि यहाँ पे केबल नहीं है, मशीन नहीं है, पुली नहीं है, तो उसके बजाय हम यूज़ कर रहे हैं झाड़ का। तो चलिए एक्सरसाइज लगाते हैं, कैसे मदद आपको। आपको पहले बेंड होना है, उसके बाद में मेक श्योर आपने जो है आपने ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि आपने जो अपनी बॉडी है वो आगे पुल करनी है, फोर्स लगा के, फोर्स लगा के आगे पुल करनी है अपने अपनी बॉडी। ये जो मसल है ना, दिख रहा आपको ये ट्रेन होने के लिए। दोस्तों, अपर बैक और मिडल बैक होने के बाद रह तो जाता है लोअर बैक। तो लास्ट जो एक्सरसाइज है हमारी लो है लोअर बैक के लिए, चलिए कर लेते हैं। दोस्तों, ये तो हो गए हमारे आज के 6 एक्सरसाइजेस बैक वर्कआउट की। इसी तरीके से टिप्स और फिटनेस कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, नीचे नाम है मसल एस्थेटिक्स, और ध्यान रखो कि घंटे को जरूर दबाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप हमारे वीडियो को मिस कर दो। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम। बाय।